सालाम में आज तीसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रोड को साफ किया जा रहा है, ये बुलडोज़र और ट्रैक्टर वगैरह लगे हैं, लेकिन ये कम है। मतलब कुछ फोटोग्राफी के लिए तो ये बेहतरीन है, तस्वीरें बन जाएगी, लेकिन काम के लिहाज से ये कम है। अगर आप देखें तो यहाँ पर छोटे गाड़ियाँ जो है ना वो बग़ैर जंजीरों के है, तो वो गाड़ियों के साथ उन्होंने आपको चैन किया हुआ है, तो सयाहों को इस वक्त काफ़ी मुश्किलात है। NHA और दिगर जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए था कि रोड को साफ़ करते, क्योंकि पेशगोई पहले ही की गई थी और ये दूसरी दफ़ा है कि रोड को उस तरह साफ नहीं किया जा रहा है जिस तरह साफ़ होना चाहिए। अगर आप ये रोड देखें तो बस वो फोर व्हील गाड़ी तो जा सकती है, वो तो कोई इशू नहीं है, फोर व्हील गाड़ियों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मसला है वो छोटे गाड़ियों के लिए। तो अगर आप देखें तो रोड अभी साफ़ नहीं है और इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। अगर ठेकेदार पैसे लेते हैं तो मेरा ख़्याल में उसको साफ़ करना चाहिए। बाकी रोड ठीक है, सयाह जितने भी आते हैं तो उनको थोड़ी बहुत मुश्किलात होगी, चूँकि बर्फ़ में बग़ैर पैरों के जंजीरें ना हो और वो चलाए तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह है कि कालाम रोड ख़तरनाक नहीं है, यहाँ पर गाड़ी आपकी जो है ना कहीं गहरे काय में गिरने के चांसेस बहुत कम है, बस वो सड़क पे आप कड़ी कर दे या फंस जाएगी बर्फ में। लेकिन जीप वालों से भी दरख्वास्त है, जितने भी जीप वाले गाड़ी को ऑटो चैन करते हैं तो इनसे भी दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा मुआवजा न लें और सयाहों के साथ ताउन करें, ऐसा ना हो कि हम जो हमारे मेहमान नवाजी का जो कल्चर है वो ख़राब ना हो। तो सबसे गुजारिश है कि आप सयाहों के साथ ताउन करें, ज़िली इंतज़ामिया और NHA वाले और जो भी इदारे इसके साथ रिलेटेड है इनको चाहिए कि वो सड़क के ऊपर तवज्जो दे। कल बर्फबारी कम होगी, आज पेशगोई की गई है कि 70-80% तक बर्फबारी है, तो इसके लिए पहले से तैयारियां होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से पिछले स्पेल में भी मैंने इसकी निशानदेही की थी और वो भी मतलब किसी ने तवज्जो नहीं दी। NHA वाले कोई बंदा भी नहीं, रोड बहुत ख़राब है, सफाई का बंदोबस्त बिल्कुल नहीं है, सारे गाड़ी फंसे हुए हैं, अरे एक रास्ते बंद है। बर्फबारी देखने के लिए काफ़ी तादाद में सयाह आए हुए हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलात तो होंगे, वो तो खैर एडवेंचर का हिस्सा है, बार इंजॉय। और ये चीज़ें टूर में खैर शामिल होती है, लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया जो भी है ज़िम्मेदारान है उनको चाहिए कि पहले से इंतज़ाम कर लेते, पुलिस के एक बारी नफरी तैनात होनी चाहिए थी ताकि जो गाड़ी गलत तरीके से आए वो उसको मना कर दें। वो आराम से बहरीन तक का जो रास्ता है ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी ठीक है, इसमें एक दो चढ़ाइयाँ इस तरह है कि वहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। बहरहाल आप आए ज़रूर, एहतियात के साथ आए, इंशाल्लाह ये आज ख़त्म हो जाएगी, इंतज़ाम इसके लिए काम कर रही है मुझे अंदाज़ा है। ये मेन मंगवरा नदी है, इसमें भी कभी यानी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें यह है कि वक्त पानी भी कंटिन्यू है, इस वजह से जो बरसाती नाले है या जो
दीगर साइडों पर। दरिया स्वात के पानी के बहाव में भी इजाफा हुआ है, लेकिन सैलाब मैलाब का कोई खतरा नहीं है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।